द श्रेष्ठ भारत शो में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलविश। इस शो में आप रोज देखेंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। अपने लोकसभा क्षेत्र बनारस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री, वहां पर 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया और नींव रखी। सबसे पहले पीएम मोदी ने संत गुरु रविदास जन्मस्थली पर पूजा अर्चना की और उसके बाद संत रविदास की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर पुलिस ने रविदास जन्मस्थली के आसपास हुए विकास कार्यों का उद्घाटन किया, जबकि 62 करोड़ की लागत से रविदास म्यूजियम और पार्क की नींव रखी गई। इसके बाद पीएम ने कई सड़क परियोजनाओं और पुलों की नींव रखी और उद्घाटन भी किया। बनारस में विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट और बुनकरों के लिए सिल्क फैब्रिक प्रिंटिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया। पीएम ने बनारस में उच्च शिक्षा की ओर अहम कदम उठाते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की नींव रखी। पीएम मोदी ने बनारस में नए मेडिकल कॉलेज की नींव रखी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की भी नींव रखी। बनारस को खेलों में आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने सिग्रा स्पोर्ट्स स्टेडियम और रैपिड शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम ने बनारस के सौंदर्यीकरण के लिए कई परियोजनाओं की नींव रखी। इसके तहत बनारस के कई तालाबों का जीर्ण उद्धार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और पीएम मोदी चाहते हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले बनारस में ज्यादा से ज्यादा विकास परियोजनाओं की शुरुआत वो करें, जिसका फायदा उन्हें लोकसभा चुनावों में मिले। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर इन दिनों कश्मीर में हैं। जब भी वो कुछ करते हैं उनके फैंस उन्हें हर जगह फॉलो करते हैं। सचिन का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे कश्मीर की गलियों में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। सचिन ने खुद अपने फेसबुक अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया, जिसमें दर्जनों युवा उन्हें घेरे हुए खड़े हैं और वे उनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। वीडियो में सचिन ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि कौन है तुम्हारा बॉलर, हम खेले चलो। ओ अब खेलते हो। फेसबुक पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सचिन तेंदुलकर ने पहाड़ों से घिरी किसी सड़क को खेल का मैदान बना रखा है, जहां वो अपने क्रिकेट का जादू दिखा रहे हैं। इस अनोखे गेम में विकेट की जगह कार्टन रखा है और इसके ऊपर तेल वाली बोतल रखी है। सामने से एक गेंदबाज बॉलिंग करता नजर आ रहा है, तभी सचिन अपना बल्ला घुमाते हैं। खास बात यह है कि सचिन बैट को उल्टा पकड़कर बैटिंग करते हैं। इसके बाद वो फैंस के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। वीडियो को कैप्शन देते हुए सचिन ने लिखा, क्रिकेट और कश्मीर, जन्नत में एक मैच। वीडियो पर 55,000 से अधिक लाइक्स आ चुके हैं और लोगों ने जमकर कमेंट्स किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी मार्च के पहले हफ्ते में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। इसमें 100 उम्मीदवारों के नाम शामिल होने की उम्मीद है। पहली सूची में ज़्यादातर वे सीटें होंगी जिनमें भाजपा 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में हार गई थी। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कई प्रत्याशी काफ़ी कम वोटों से हार गए थे, तो कई उम्मीदवार दूसरे स्थान पर भी रहे थे। ऐसे में ये सीटें बीजेपी के लिए प्राथमिकता पर हैं। भाजपा इन सीटों पर प्रत्याशियों की पहले घोषणा कर उन्हें जनता तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मौका देना चाहती है, ताकि कोई कोर कसर ना रह पाए। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। भाजपा की पहली लिस्ट में करीब 100 उम्मीदवारों का
नाम होने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए फोकस स्टेट है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और महाराष्ट्र की हारी हुई सीटें शामिल हैं। बीजेपी प्रत्याशी इन प्रदेशों की कई लोकसभा सीटों पर काफी कम अंतर से हारे थे। इसके अलावा कई सीटों पर वे दूसरे नंबर पर थे और जीत और हार में काफी अंतर रहा था। बीजेपी के चुनाव रणनीतिकारों का फोकस देश भर की उन 160 लोकसभा सीटों पर है जहां बीजेपी चुनाव हार गई थी। या पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी या फिर जीता मार्जिन काफी कम था। काफी समय से टूटा नजर आ रहा इंडिया गठबंधन धीरे धीरे जुड़ने लगा है। सपा और आप के बाद अब टीएमसी भी कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर विचार कर रही है। पहले ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब टीएमसी कांग्रेस को 2 से 5 लोकसभा सीट देने के लिए तैयार है। लेकिन वो चाहती है कि कांग्रेस असम और मेघालय में उसके लिए सीटें छोड़े। साल 2019 के चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से टीएमसी ने 22 और बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें कांग्रेस जीती थी। अगर टीएमसी और कांग्रेस के बीच बात बन जाती है तो गठबंधन हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं, जबकि आप दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें देने के लिए तैयार है अगर वो गुजरात में कुछ सीटें छोड़े तो। खास तौर पर आप भरूच सीट कांग्रेस से मांग रही है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की बेटी से सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में आप और कांग्रेस के बीच बात बन पाएगी ये देखना होगा। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां सीट शेयरिंग में लगी हैं। लोकसभा चुनावों को कम वक्त बचा है, ऐसे में जो पार्टी जितनी जल्दी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देगी वो उतने ही फायदे में रहेंगे। हालांकि जिस तरह से मोदी लहर चल रही है उसमें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को अपनी सीट निकालने में बेहद मशक्कत करनी पड़ेगी। सीट शेयरिंग से पहले हर पार्टी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें लेना चाहती है ताकि गठबंधन उनका हाथ सबसे ऊंचा रहे। हरियाणा पुलिस ने आंदोलन कर रहे किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का फैसला वापस ले लिया। अंबाला रेंज के आईजी सुभाष कविराज ने शुक्रवार 23 फरवरी को यह जानकारी दी। इससे पहले गुरुवार को अंबाला पुलिस ने कहा था कि प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी किसान नेताओं से ही होगी। इसके लिए उनकी संपत्ति कुर्क और बैंक खाते सीज किए जाएंगे। इधर पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 21 साल के शुभकरण की मौत के विरोध में किसान शुक्रवार को देश भर में ब्लैक डे मना रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की गुरुवार को 4:30 बजे चली बैठक, बाद में ये फैसला लिया गया। इसमें 100 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। 26 को देश भर में ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करने पर सहमति जताई। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है। किसान मजदूर मोर्चा दिल्ली कूच पर आज फैसला लेंगे। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर युवक शुभकरण की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च को रोक दिया था। गुरुवार को किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने एक तस्वीर जारी कर कहा, खनौरी बॉर्डर पर सीधी फायरिंग की गई है, पंजाब सरकार हत्या का केस दर्ज करे। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल ने शुभकरण को शहीद का दर्जा देने की मांग की। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने शुभकरण के लिए मुआवजे और उसकी बहन को नौकरी देने का ऐलान किया है। द श्रेष्ठ भारत शो में ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के साथ कल फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।